हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे KTM Duke 200 के BS4 वेरिएंट का BS6 वेरिएंट के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, KTM ने रिसेंटली ही ड्यूक 200 के BS6 2020 मॉडल को इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। तो आज की वीडियो में हम इस बाइक के BS6 वेरिएंट का BS4 वेरिएंट के साथ डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला इन दोनों बाइक्स में बेसिक सा डिफरेंस है इमिशन स्टैंडर्ड का। ड्यूक 200 के 2019 मॉडल का इमिशन स्टैंडर्ड BS4 है, क्योंकि उस बाइक के अंदर BS4 इंजन है, लेकिन ड्यूक 200 के 2020 मॉडल के अंदर BS6 इंजन है। सो इस बाइक का इमिशन स्टैंडर्ड है BS6। दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक सा डिफरेंस। अब हम बात करते हैं मेन डिफरेंस के बारे में। इन दोनों बाइक्स में मेन डिफरेंस है प्राइस का। ड्यूक 200 के BS4 वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,62,000, और इस बाइक के BS6 2020 मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 1,72,000। सो दोनों बाइक्स के एक्स शोरूम प्राइस में 10,000 का डिफरेंस है, क्योंकि दोस्तों इस बाइक के न्यू वेरियंट के अंदर BS6 इमिशन नॉर्म्स के साथ साथ कुछ नई चीजों को भी अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से आपको BS6 वेरिएंट के लिए 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस बाइक का प्राइस इंक्रीज होने के पीछे क्या रीजन है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के डिजाइन और स्टाइल के बारे में। दोस्तों, 2012 से लेके ड्यूक 200 के अंदर एक ही डिजाइन चलता आ रहा था। 2012 से 2019 तक इस बाइक में एक ही डिजाइन रहा है, लेकिन अभी 2020 में KTM ने इस बाइक के अंदर काफी सारी चीजों को अपग्रेड किया है, और अभी KTM Duke 200 का कंप्लीट डिजाइन और लुक्स आइडेंटिकल है Duke 250 से। KTM Duke 200 का BS6 वेरिएंट स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम पे बेस्ड है, और न्यू वेरिएंट की राइडर और पिलियन दोनों सीट BS4 के मुकाबले बड़ी है। सो BS6 वेरिएंट के अंदर आपको थोड़ी बड़ी और लॉन्गर सीट मिल रही है, और साथ ही BS4 के मुकाबले BS6 वेरिएंट का फ्यूल टैंक का साइज भी इंक्रीज हो गया है। BS6 वेरिएंट के अंदर न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम है। सो ये बाइक दो कलर्स में अवेलेबल होगी, जिसमें फर्स्ट कलर है इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और सेकंड कलर है सेरेमिक व्हाइट। दोस्तों, ड्यूक 200 के BS6 वेरिएंट की रियर सब फ्रेम ड्यूक 200 और ड्यूक 390 से सिमिलर है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो BS4 वेरिएंट की सीट हाइट है 818 mm, लेकिन BS6 वेरिएंट की सीट हाइट है 830 mm। सो नए वेरिएंट की सीट हाइट 12 mm इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से शॉर्ट राइडर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग राइडर्स को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। दोस्तों, BS6 वेरिएंट में आपको बेटर राइडिंग डायनेमिक्स मिलेगा। दोस्तों, BS6 वेरिएंट के अंदर सबसे मेजर अपग्रेड है इस बाइक की हेडलाइट के डिजाइन का। 2019 BS4 वेरिएंट की हेडलाइट का डिजाइन काफी ओल्ड हो गया था, लेकिन ड्यूक 200 के BS6 वेरिएंट में आपको ड्यूक 250 वाली ही सेम हेडलाइट मिल रही है। सो इन सभी चेंजेस की वजह से ये बाइक दिखने में बिल्कुल ड्यूक 250 की जैसी लगती है। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर देखें तो इस बाइक में न्यूली डिजाइन हेडलाइट, स्प्लिट स्टील फ्रेम और लॉन्गर फ्यूल टैंक और लॉन्गर सीट, इन सभी चेंजेस की वजह से इस बाइक का वेट 9 kg इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से इस बाइक के पावर टू वेट रेशियो पे मिनिमल सा फर्क पड़ेगा, लेकिन इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस बाइक के अंदर वही सेम 199.5 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन है, और 2020 मॉडल के अंदर BS6 कंप्लायंट इंजन है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 25 PS की एट 10,000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 19.3 Nm का एट 8,000 RPM। सो BS6 वेरिएंट की पावर और टॉर्क आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट बिल्कुल सेम है BS4 से, और इस बाइक में भी 6-speed ट्रांसमिशन है। दोस्तों, सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें तो BS6 वेरिएंट के अंदर BS4 वेरिएंट वाले वही सेम 43 mm के वाइट पावर अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, और रियर में वाइट पावर मोनोशॉक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इस बाइक के BS6 वेरिएंट के अंदर वही सेम 300 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क है, लेकिन मेजर डिफरेंस है इस बाइक के ABS सिस्टम में, क्योंकि BS4 वेरिएंट के अंदर स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS है, लेकिन BS6 वेरिएंट के अंदर स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS है। सो दोस्तों, ये थे सारे डिफरेंसेस जो BS4 और BS6 वेरिएंट में है, जिनमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है प्राइस का। BS6 वेरिएंट का प्राइस 10,000 ज्यादा है BS4 से, क्योंकि BS6 वेरिएंट के अंदर आपको ड्यूक 250 से सिमिलर हेडलाइट मिल रही है और ड्यूअल चैनल ABS मिल रहा है, और साथ में इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी भी ज्यादा है और BS6 कंप्लायंट इंजन भी है। सो दोस्तों, ये था इन दोनों बाइक्स का डिटेल्ड कंपैरिजन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।